इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा फ्रेंड्स कि अगर आप अपने फ़ोन पे अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको उसको कैसे रिकवर करना है और नया पासवर्ड सेट करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और टेक माय वे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम फ़ोन पे ओपन कर लेंगे और अगर इसमें आप लॉग्ड इन है यानी आपने लॉग आउट नहीं किया है तो सबसे पहले लॉग आउट कर ले। उसके लिए ऐप ओपन कर ले और आपको नीचे में जाना है माई अकाउंट में। तो नीचे में आपको माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके हम अपने अकाउंट में आते हैं। उसके बाद हमको अपना नेम और नंबर यहाँ पे मिल जाएगा ऊपर में सबसे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको लॉगआउट का ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं लॉगआउट का, तो इसमें सीधे क्लिक कर देते हैं और फिर क्लिक करते हैं यस पे। तो यहाँ से अब हम फ़ोनपे से लॉगआउट हो चुके हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा और अगर आप पहली बार फ़ोनपे का ऐप ओपन करेंगे तो भी आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ में से आपको एक ऑप्शन नीचे में दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड का, नीचे में आप जैसे कि देख पा रहे हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करिए। फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद आपको वो फ़ोन नंबर डालना है जिससे आपने फ़ोनपे का अकाउंट बनाया था। कोई भी पासवर्ड रिकवर करने का सबसे आसान तरीका होता है कि जिस नंबर से आपने जो अकाउंट बनाया है उसको डाल दें और वहाँ से आप वेरीफाई कर लें। तो अपना फ़ोनपे का नंबर इसमें आप डाल दें। तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर इंटर कर देने के बाद आपको कन्फर्म करना है, और अगर ये फ़ोन नंबर आपके मोबाइल में ही लगा हुआ है तो अपने आप ये ऑटो वेरीफाई ले लेगा। तो मेरे मोबाइल में ही ये फ़ोन नंबर लगा हुआ है तो ये ऑटो वेरीफाई ले लेगा। अगर आपके दूसरे मोबाइल में होगा तो उसमें एक मैसेज आएगा, उसको आपको आगे एंटर करना होगा। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है कंफर्म में फ़ोन नंबर डालने के बाद, और ये OTP अपने आप अभी रीड कर रहा है। तो ये मैसेज मेरा आ चुका है और ये अपने आप यहाँ पे OTP रीड कर लिया। अब हमको करना है पासवर्ड रीसेट, यानी कि हमको एक नया पासवर्ड सेलेक्ट करना है अपने अकाउंट के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का पासवर्ड रीसेट करना है, नया पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो आप नया पासवर्ड सेलेक्ट कर लें, उसके बाद क्लिक करिए कन्फर्म। तो हमने जो नया पासवर्ड सेट किया था वो हमने कन्फर्म कर लिया। अब हमको फिर से मैसेज आ गया है कि फ़ोनपे का पासवर्ड जो है चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है। अब हमको लॉगिन करना है तो हम यहाँ फिर से अपना फ़ोन नंबर डालेंगे इस जगह पे 10 डिजिट का, और नया पासवर्ड जो हमने सेलेक्ट किया था अभी उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं पहले। तो अपना फ़ोन नंबर और नया पासवर्ड डालने के बाद हम फिर से क्लिक करेंगे लॉगिन, और इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम अपना पासवर्ड फिर से रीसेट कर लेते हैं अपने फ़ोनपे अकाउंट का। आप फिर से आप अपने माई अकाउंट में जाइएगा तो आपका अकाउंट देखिएगा कि रिकवर हो चुका है और आप फिर से लॉग्ड इन हो चुके हैं और आपको अपना पासवर्ड भी रिसेट हो गया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप फ़ोनपे का पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप समझ गए होंगे कि फ़ोनपे का पासवर्ड कैसे रिसेट करना है अगर आप भूल गए हैं तो। अगर ये वीडियो आपके काम की रही तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, और ऐसे ही ईजी वीडियो मैं लाते रहता हूँ आपके लिए। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बगल में बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा क्योंकि नई वीडियो मैं लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।